Right. So now that we are discussing question number 9, which is based on factorial that we did in the previous class, I'll solve this question in the most basic way. Okay, let's see. N plus 3 factorial is equal to 56 n plus 1 factorial. So always break the larger factorial into the smaller one, right? आप लार्जर फैक्टोरियल को स्मॉलर में ब्रेक कर सकते हो, एन प्लस वन लिखूंगा और बाकी जो भी बीच में टर्म्स रह गए उसको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे. बीच में क्या रह गया, एन प्लस टू एंड एन प्लस थ्री. सो दैट इज वॉट यू विल बी गेटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव 56 एंड यू हैव एन प्लस वन फैक्टोरियल. सो दिस एन प्लस वन फैक्टोरियल ऑन बोथ द साइड्स इज कैंसल आउट. ओके, आपके पास क्या रहा बेटा, ध्यान से देखो. आई नो सम ऑफ यू हैव सॉल्वड इट. Right, you are giving me responses over the chat box, and it is very encouraging. For a teacher, it is very encouraging to see that yes, students are able to solve that. Wonderful. But ध्यान से देखो, ठीक है? जैसे ही तुम्हारे पास, right, आप में से कई लोगों ने reply कर दिया है, Srishti, Hitan, Shishir, Sakshi, Pratik, wonderful, बेटा, wonderful. 50, I think Pratik थोड़ा सा तुम्हारा answer गलत लग रहा है मुझे. ध्यान से देखना. कोई tension नहीं, relax, okay, just relax. Listen very carefully, children. See, it. My intention is not just to tell you the answers. My intention is to tell you the methods, right? कि तुम किस procedure में, किस step पे तुम कौन सा method use करके सही answer तक पहुंच सकते हो. Now, while you are solving n plus 2, n plus 3, ध्यान से सुनो मेरी बात. इसको बच्चे दो तरीके से कर सकते हैं. तरीका number one जो mostly students use करते हैं, देखो मैं यहाँ right side पे करके बताता हूँ. तरीका number one, they make it a quadratic equation. Right? Let this be method number one. जो बच्चे generally use करते हैं, क्या है ये? ये बन जाएगा एन स्क्वायर व्हेन यू ओपन दैट एंड दैट विल बी 5 टाइम्स एन प्लस 6 इज इक्वल टू 56. सो इफ यू मेक इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज एन स्क्वायर प्लस 5n माइनस 50 इज इक्वल टू 0. एंड इफ यू फैक्टराइज दैट यू हैव लर्न्ड इन स्मॉलर क्लासेस, इट वुड बी एन प्लस 10 एंड एन माइनस 5. दैट इज हाउ यू विल फैक्टराइज एंड देन यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ एन. One of them would be minus 10 and the other would be plus 5. So certainly n ki value negative mein nahi ho sakti hai, isiliye fir aap kya bolenge, that n is equal to 5 is your answer. That is one way to look at the question, right? I would suggest the second way, that is method number 2. When you reach at this stage, there is still other method. Now for that you have to be a bit more logical. ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू बी मैथमेटिकल. ठीक है, ये बेसिक चीज है सबको. अगर किसी को भी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं जो उन्होंने छोटे क्लास में पढ़ रखा है, तो दे कैन गेट टू दिस रीजन विदाउट एनी हैसल. ठीक है, बट हाँ, यहाँ पे जब तुम इन्हीं चीजों को आगे कॉम्पिटिशन लेवल पे करते हो या अपने एग्जाम में भी करते हो, तो वहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है. तुम कितना जल्दी कर रहे हो, राइट, कितना इफेक्टिवली कर रहे हो, ये चीज मैटर करती है. तो वहाँ तुम अगर थोड़ा लॉजिकल हो तो बहुत अच्छा रहेगा. जैसे यू नो दैट एन इज अ नेचुरल नंबर एज फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स. मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि n प्लस 2 और n प्लस 3 दो कंजेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं. अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर में एक में दो ऐड कर रहा हूँ, दूसरे में तीन ऐड कर रहा हूँ, तो आई विल गेट टू कंजेक्टिव नेचुरल नंबर्स. मैं इस 56 को कुछ ऐसे ब्रेक करना चाहता हूँ ताकि ये दो कंजेक्टिव नंबर्स में मिल जाए. तो क्या आसानी से मिल पा रहे हैं क्या? यस, 7 8 56. अब मुझे कुछ भी नहीं करना. आई डोंट हैव टू मल्टीप्लाई व्हाट इज देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट. आई जस्ट नीड टू कंपेयर देम. If this is 7, then the other thing is 8. That is all. N plus 2 is equal to 7. N is equal to 5. That is all. If it is okay, quickly raise your hand. Quickly raise your hand if that is fine. That's okay. Wonderful. Okay. Fine, children. देखिए, आगे बढ़ते हैं. Question number 10 discuss करते हैं. देखिए. क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं डिस्कस करता हूँ. ध्यान से देखना, राइट. सी, तुमने अगर सॉल्व कर भी लिया है ना, फिर भी मेथड्स को बहुत ध्यान से देखा करो. रीजन बीइंग, यू विल ऑलवेज लर्न समथिंग, राइट. इट इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द आंसर, इट इज अबाउट गेटिंग द आंसर इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 10. दे हैव सेड दैट यू हैव टू नंबर्स, 2n फैक्टोरियल ओवर दिस एंड n फैक्टोरियल ओवर दिस. इन दो नंबर्स का जो रेशियो है ना, वो 44:3 है. We have to find the value of n. No issues. I'll just organize, right? It seems a very calculative question, but believe me, अगर तुम बहुत ध्यान से करते हो तो calculation इसमें बिल्कुल भी नहीं होती. You just have to be, you know, logical, and you have to be very attentive while doing the calculation. Things would, you know, minimize. ध्यान से देखना, मैं तुम्हारे लिए एक एक step करके बता रहा हूँ.
please pay attention, even if you have got the answer. So the numerator is 2n factorial, 3 factorial, 2n minus 3 factorial. And the denominator in the ratio is n factorial, 2 factorial, n minus 2 factorial. That is what they have given in the question. And they say that this is equal to 44 over 3. That is what they have said. मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ कि डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में, राइट? दिस थिंग विल गो वेयर, दैट दिस थिंग विल गो अप, दिस थिंग विल गो अप. ये वाली चीज कहाँ चली जाएगी, ये वाली चीज मेरे न्यूमरेटर में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. और ये वाली चीज कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली चीज उठ के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी. यानी यहाँ से मुझे एक चीज बड़ी समझ में आती है, बहुत अच्छी सी, राइट, कि ये जो मेरे पास जो चीज दिख रही है ये तो बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया. मतलब इतना सिंपल भी नहीं है, लेकिन हाँ, इट्स सिंपलर देन अर्लियर, राइट? इट्स मच सिंपलर देन अर्लियर. ये तुम्हारे पास, दैट इज व्हाट यू कैन कम अप विद. जैसे आपने इतनी सी बात कर ली तो आपको ये समझ में आ गया, चलो मैं इस 44/3 को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है. ये तुम्हारा फैक्टोरियल ऐसा बन गया. अब ये क्या है, जो बड़े बड़े फैक्टोरियल्स है ना, जैसे ये वाला तुम्हारा बड़ा फैक्टोरियल है, और जो भी बड़ा फैक्टोरियल है उसको तुम हमेशा छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करोगे. यानी मैं 2n को क्या लिखूंगा, 2n माइनस 3 लिखूंगा. ध्यान से देखना बेटा, मैं 2n को लिखूंगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल. और अगर मैं छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूंगा तो बाकी सारे टर्म्स मुझे मल्टीप्लीकेशन में लिखने पड़ेंगे. तो कौन कौन से टर्म्स आएंगे मेरे पास 2n माइनस 3 के बाद, आई विल गेट 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 एंड 2n. ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया मेरे पास, 2n फैक्टोरियल. इससे क्या फायदा हुआ, आई विल बी कैंसिलिंग द डिनोमिनेटर इन द नेक्स्ट स्टेप. Okay. Similarly, 2 factorial है मेरे पास, ठीक है, उसको मैं as it is रहने दे रहा हूँ, I'm not doing anything. N minus 2, I'm not doing anything. Why so? मैं क्यों नहीं इसको touch कर रहा? Because मैं हमेशा बड़े factorial को छोटे factorial में convert करने को कहता हूँ, ठीक है. 3 factorial को मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, 3 factorial को मैं लिखना चाह रहा हूँ 2 factorial into 3. क्यों? ये 2 factorial मुझे cancel करना है ना, इसलिए 2n minus 3 factorial, इसको भी touch नहीं करूंगा, because इसका बड़ा factorial ऊपर था जिसको हमने already convert कर लिया. ये वाली चीज किससे cancel होने वाली है, इससे cancel होने वाली है. n factorial को मैं किस में convert करूंगा, n minus 2 में, छोटे factorial में. क्या आएगा मेरे पास बेटा, that will be n minus 2 factorial into the next two terms. What is that? n minus 1 into n. So you are free from all the factorials. You are free from all the factorials. On the right hand side you have 44/3. यहां तक की कैलकुलेशन क्या सभी को समझ में आ गई बच्चों? कैन यू प्लीज रेज हैंड. सृष्टि एंड साक्षी, दे हैव गिवन द आंसर, वंडरफुल बेटा, बट आई होप यू आर लुकिंग एट द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली. ओके, यहां से मैं इस 3 को भी कैंसिल करना चाहूंगा, एंड आई विल वर्क ऑन द रिमेनिंग टर्म्स. यहां पे मैं ये देखता हूं दैट दिस n कैन बी कैंसिल्ड विद दिस n, राइट? ये 2n माइनस 2 है और यहां मुझे ये n माइनस 1 दिख रहा है. मैं इस 2n minus 2 से 2 common लेना चाह रहा हूँ. I want to take 2 common. I have a 2 here and I'll take 2 common here. So 2 into 2, 4 आएगा. और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा? N minus 1. और क्या रह गया मेरे पास ऊपर? 2n minus 1. 2n minus 1. That is what I have in the numerator entirely. Denominator, I'm left with just one thing, which is n minus 1. And that is wonderful. Why is it wonderful? Because this is getting cancelled. On the right hand side, you are left with just 44. If you take this 4 in the denominator, you are left with 11. That means twice of n minus 1 is equal to 11. And you easily know that twice of n is equal to 12 and n is equal to 6 is your answer. That is the most basic way to deal with this question. I hope it is clearly understood by you. Right? I hope that is easily understood by you. Shishir, it is wonderful. Well done, beta. ठीक है? अगर सभी को ये solution समझ में आ गया हो, तो मैं एक question और discuss करना चाह रहा हूँ. Shall I? Just raise your hand if you want to say yes. Right. Be active, okay? Be active on your phone in the right way. All right. Let's see how to deal with this question. Question number 12. देखिए. यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है. जब प्रूफ करना है तो देखो, जब कहीं भी तुम्हारे पास प्रूफ का क्वेश्चन आता है, अभी तुम 11th में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी डील करोगे, राइट? आपको क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से मिलेंगे. ट्रिगोनोमेट्री के, ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी वास्ट इन क्लास 11th और काफी इंपॉर्टेंट है. ट्रिगोनोमेट्री को बहुत ढंग से करना है, ध्यान रखना, राइट? तो प्रूफ के क्वेश्चन चाहे तुम्हें
कॉम्बुटेशन कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन में मिल रहे हैं, या फिर ट्रिगोनोमेट्री में मिल रहे हैं, या कहीं और मिल रहे हैं। ध्यान रखना, प्रूफ करने की शुरुआत, शुरू करने से पहले आप हमेशा ये देखिए कि आपको क्या प्रूफ करने को दिया गया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू विल गेट द हिंट दैट हाउ शुड यू प्रोसीड। व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, यू विल ऑलवेज गेट द हिंट हाउ टू प्रोसीड। ओके, सो ध्यान से देखो, जैसे ही मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि अच्छा, यहाँ पे 2 की पावर n है और ये 2n फैक्टोरियल है, मतलब कहीं ना कहीं ये n फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तभी तो यहाँ राइट साइड से n फैक्टोरियल जाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई अंडरस्टैंड। और इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि ये जो 2n प्लस 1 होता है ना, राइट, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल नहीं, सिंपल 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1। ध्यान रखना, दे आर ऑलवेज ऑड नंबर्स, दे आर ऑलवेज ऑड नंबर्स, राइट, दीज आर स्टैंडर्ड डिनोशंस एंड यू मस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट। अगर ये चीज आपके नोटिस में नहीं थी तो आप जरूर से इसको अपने नोटबुक में लिख लें, 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, व्हेनेवर n इज एनी नेचुरल नंबर, दिस वुड ऑलवेज इंडिकेट व्हाट, एनी ऑड नंबर, ठीक है। एंड 2 ऑफ n, दैट इज वेरी क्लियर दैट इट विल ऑलवेज डिनोट व्हाट, एनी इवन नंबर, ठीक है। तुम यहाँ पे n की जगह पे कुछ भी रखो ना बेटा, देखो तुम n की जगह पे 1 रखोगे कितना आ गया, 1 आ गया, 2 रखोगे तो 3 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 रख के देखो कितना आ गया, 4 माइनस 1 इज 3 एंड सो ऑन, यू विल ऑलवेज गेट एन ऑड नंबर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन, जब तुम्हें ये सारी बेसिक नॉलेज है तुम्हारे पास, तो तुम्हें ये क्वेश्चन कैसा दिखना चाहिए, तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसा दिखना चाहिए कि ऊपर मेरे पास कोई ऑड नंबर का फैक्टोरियल है, कोई भी ऑड नंबर, इट इज एनी ऑड नंबर, ठीक है, और नीचे मेरे पास n फैक्टोरियल है, ये n कुछ भी हो सकता है, 2n होता तो इवन होता, बट ये तो अभी कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास राइट साइड पे n फैक्टोरियल नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। इतनी नॉलेज, इतनी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, विच ग्रेजुअली विल हैपन। अभी तुम्हारी सेकंड क्लास है तो सर्टेनली तुम में से कुछ लोगों ने, जिन्होंने ढंग से पढ़ाई कर रखी है, उनको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी ऑलरेडी, बट हाँ, जिन्होंने चीजें मिस कर रखी है उनके लिए ये चीजें मैंने रिपीट की है, ओके। सो देखो, लेट मी स्टार्ट नाउ। ये वो चीजें थी जो तुम्हारे माइंड में पहले से होनी चाहिए थी, नहीं थी तो अब मैंने डाली है, ठीक है, ध्यान से देखो। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द LHS। द LHS इज ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। नाउ व्हेन आई लुक एट द RHS दैट हैज टू बी प्रूव्ड, आई फाइंड द लास्ट टर्म एज 2n प्लस 1. Then I find 2n minus 1, and then I find 1, 3, 5. I can see only odd numbers on the right hand side. And this is giving me some hint. Okay, let me elaborate the hint. Let me write it down for you. ये जो 2n plus 1 factorial है, मैं इसको कुछ इस तरीके से break करूँगा. ध्यान से देखना. तुम्हें मालूम है कि ये 1 into 2 into 3 into 4 into 5 and so on, this would continue kahan tak, 2n, and ultimately what is the last term, 2n plus 1, that is the meaning, right? Denominator I'll leave it, denominator ko main touch nahi karunga because isko open kar ke kuch hona hai, ye to already simplified hai, hame work kahan pe karna hai, numerator mein work karna hai, theek hai। So jaise hi tumne is question ko is tarike se dekhna shuru kiya bachcho, iske baad kya hoga, ab tumhe ye sochna hai ki n factorial kaise ghatay। तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे ऑड नंबर्स को अलग लिखूंगा और सारे के सारे इवन नंबर्स को अलग लिखूंगा। क्यों? बिकॉज ऑड नंबर्स मुझे अलग से दिख रहा है ना, तो मैं ऑड और इवन को यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना बेटा, ऑड नंबर्स क्या है मेरे पास, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन, सेकेंड लास्ट ऑड नंबर इससे पहले क्या होगा बेटा, आई होप यू कैन सी दैट, 2n माइनस 1, हालांकि उन्होंने क्वेश्चन में भी इस बात को दिखा रखा है, ठीक है। तो ईजिली ये सारी बातें आपके माइंड में भी आनी चाहिए। So second last odd number is 2n minus 1, and what is the last odd number bachcho, it is 2n plus 1. I have listed all the odd numbers, right, space kam hai, I'll carry it here, I'll write it here, okay, main yahan likh deta hu so that we can finish it here only. Maine abhi odd number likha, theek hai, multiplication hai to main multiplication mein jo agar mere paas a b c hain, teen numbers hain, to main isko a c b, right, ya fir बी सी ए कुछ भी लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लीकेशन ही है, किसी भी फॉर्म में लिख दो, राइट, तो एज पर दी कन्वीनियंस मैं उसको करूंगा। तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 को था, मैंने उसमें क्या किया, ऑड नंबर्स को सेपरेट कर दिया और इवन नंबर्स को अलग कर देता हूँ। इवन नंबर्स क्या क्या है मेरे पास, 2, 4, 6, 8 टिल वेयर, व्हिच इज द लास्ट इवन नंबर, सर्टेनली 2n, राइट, सर्टेनली 2n,
ओके नीचे आपके पास क्या है बेटा, नीचे आपके पास n फैक्टोरियल अभी भी बना हुआ है, यू स्टिल हैव दिस n फैक्टोरियल, नाउ यू आर ऑलमोस्ट डन। अब थोड़ी सी तुम्हें ऑब्जर्वेशन करनी है, देखो मैं यहाँ पे अलग से लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे पास स्क्रीन स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहले ये जो टू है ना, टू को क्या मैं वन इंटू टू लिख सकता हूँ बेटा? आई होप यू आर सेइंग यस। फोर को मैं टू इंटू टू लिखना चाहता हूँ, सिक्स को मैं टू इंटू थ्री लिखना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर इसको इसी सीक्वेंस में लिख लो, थ्री इंटू टू लिख लो, ठीक है, एक ही बात है ना, टू इंटू थ्री लिखूँ या थ्री इंटू टू लिखूँ। सिमिलरली फोर को मैं क्या लिखूंगा, एट को क्या लिखूंगा, फोर इंटू टू लिखूंगा, एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म है उसको मैं क्या लिखूंगा, एन इंटू टू। ये सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में है बच्चों, ये सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में है, टू 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 सब मल्टीप्लीकेशन में। कितनी बार टू मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, एन टाइम्स। जब 2 को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 की पावर n मिलती है। जब आप इस 2 की पावर n को हटा देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 1 into 2 into 3 into 4 till n, which is nothing but factorial n. And that is where you get, मतलब बीच में बस तुम्हें एक स्टेप अपनी नोटबुक में, अपनी आंसर शीट में ये दिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आ रहा है तो तुम्हें ये वाला स्टेप बस यहाँ पे एक स्टेप में और दिखाना पड़ेगा, और जैसे तुम ये दिखा दोगे उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, 2 की पावर n तुमने कॉमन लिया, ये सारे ऑड नंबर्स एज इट इज रहे बेटा, 1, 3, 5 and so on, till where? Till 2n plus 1. और जब तुमने 2 की पावर n कॉमन निकाले तो ये बचा क्या, n factorial. कितना आ गया तुम्हारे पास, n factorial. और डिनोमिनेटर में क्या था बेटा, n factorial. So this is gone. You are left with what you were supposed to prove, which is your RHS. Is it okay, children? Srishti, wonderful. Just share your, I mean, raise your hand if you are okay with that. ठीक है, don't worry. ठीक है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लेना अभी के अभी, ठीक है, क्लास के बाद भी। देखो कई बार ऐसा होता है, मैं क्यों आपके नोट्स बनाने पे इतना एम्फसाइज करता हूँ, लिसन वेरी केयरफुली चिल्ड्रन, राइट, मैं आपके नोट्स बनाने पे इतना एम्फसाइज क्यों करता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय वो चीज समझ में आ जाती है, बाद में बुक खोल के देखो तो वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आई, बाद में जब नोट से रिवाइज करना शुरू किया तो वो माइंड में क्लिक कर गई। सो इन ईदर ऑफ द केसेस, वेदर यू अंडरस्टूड इट और यू कुडंट अंडरस्टैंड इट, राइट, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट प्रॉपरली एंड आफ्टर द क्लास यू आर रिवाइजिंग इट। अगर उस समय समझ में आ गया तो वेल डन, नहीं समझ में आया ब्रिंग इट बैक टू मी, मुझे फिर से बताओ, आई विल डिस्कस इट, डोंट वरी, ठीक है। तो दैट शुड बी द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग इन दिस वर्चुअल लर्निंग, ओके, ऑलराइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस फैक्टोरियल पे कराए बिकॉज कल हमने इस पे क्वेश्चंस कम किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, राइट, लेट अस मूव अहेड। मैंने कल फिर आपसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात की थी, आज इसमें मैं तुम्हें, मैंने कहा था क्लास के स्टार्टिंग में, मैं तुम्हें इसमें बहुत एक फैबुलस सी चीज पढ़ाने वाला हूँ आज, ठीक है, ऐसी चीज जो तुम्हारे स्कूल सिलेबस में भी है और आईआईटी में भी इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई में, एनडीए में, कई सारे कॉम्पिटिशन में, क्लैट में, आईपीएम में, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें ऑलमोस्ट हर एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। मैंने ये बताया था कि जब कभी भी आप अरेंजमेंट करते हैं तो आप परमुटेशन लगाते हैं, राइट, अगर मेरे पास 5 लोग हैं और उन 5 में से मैंने 3 लोगों को अरेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा, 5P3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 5P3, राइट, ये रिप्रेजेंटेशन क्या बताती है बेटा, 5 is the total number of people and 3 is the number of people whom we are supposed to arrange. 5 में से किसी भी 3 लोगों को हमने arrange करना है. So as per the formula, what is that? It is factorial 5 over factorial n. 5 minus 3 कितना हो जाएगा? 2 factorial. When you do the calculation, you'll find that it is coming out to be 60. 5 में से 3 लोगों को अगर तुम्हें arrange करना है, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम 60 तरीके से उन्हें arrange कर सकते हो. ठीक है? Alright? सपोज करो अभी क्लास में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 13 स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट, 12 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इन 12 में से मैं कहता हूँ कि भाई मैं अभी एक टेस्ट लेने वाला हूँ संडे को, राइट, और जो भी उसमें 20 मार्क्स से ज्यादा लेके आएगा इन अ टेस्ट ऑफ 25 मार्क्स, आई विल सेंड देम टू यूरोप फॉर अ यू नो बिजनेस हॉलीडे और यू नो रिक्रिएशनल हॉलीडे, मैं उनको भेजूंगा, ठीक है। लेट से उनमें से 10 बच्चे लेके आए, तो हाउ वुड आई सेलेक्ट देम, राइट, इट इज व्हाट, in how many ways can I select them, it is 12C10, right, 12 में से 10 लोगों को अगर मैंने कहीं भेजना है या आइसक्रीम देनी है या बर्गर खिलाना है या पिज्जा खिलाना है, whatever it is, right, मैं कितने तरीके से उन्हें सेलेक्ट कर सकता हूँ, it is 12C10,
तो सिलेक्शन की बात जब होती है तो कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? राइट, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, C12 10. इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? दैट इफ वी हैव 12 डिफरेंट पीपल आउट ऑफ व्हिच वी वांट टू सेलेक्ट एनी 10 ऑफ देम, इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू दैट? सो द आंसर इज n फैक्टोरियल, व्हिच इज 12 फैक्टोरियल इन दिस केस, डिवाइडेड बाय n माइनस k. व्हाट इज n माइनस k इन दिस केस? इट इज 2 फैक्टोरियल इनटू k फैक्टोरियल. व्हाट इज k फैक्टोरियल? इट इज 10 फैक्टोरियल. ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन बहुत इजीली आपसे हो जानी चाहिए. ये कितना हो जाएगा, इसको तुम बड़े फैक्टोरियल को छोटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 फैक्टोरियल इनटू 11 इनटू 12. नीचे 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 10 फैक्टोरियल इज गॉन, राइट? सो यू आर लेफ्ट विद अ वेरी वेरी सिंपल थिंग व्हिच इज 66. ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल कर रखी थी. इतनी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तुम 2 से डिवाइड करना भूल गई. प्रियांशु, योर कैलकुलेशन इज फाइन. ठीक है, सो दैट इज वंडरफुल. You just forgot to divide it by 2, Iti. That's rest everything was okay. ठीक है, तो ये बेसिक बातें हम लोगों ने कल कर रखी थी. इसके बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करा था, राइट? जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर किसी एक टास्क को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, टास्क 1, टास्क 2 को हम लेट्स से 4 तरीके से कर सकते हैं, राइट? टास्क 2 को लेट्स से हम 4 तरीके से कर सकते हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू बोथ द टास्क टूगेदर, T1 as well as T2, we can do it in 12 ways. ठीक है? Similarly, अगर मेरे पास 3 टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2 and टास्क 3. टास्क 1 can be done, let's say, in 2 ways. टास्क 2 can be done in 3 ways and टास्क 3 can be done in 4 ways. In how many ways can I do टास्क 1 and टास्क 2 and टास्क 3? मतलब तीनों टास्क करना compulsory है. तो आप क्या करेंगे? Rule of multiplication. ठीक है? ये हमने ये भी कल करा था. कितना हो जाएगा? 6 4s are 24. 24 तरीके से हो सकता है. ठीक है, इस पे हमने ये शर्ट और ट्राउजर का एग्जांपल भी करा था. ठीक है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग द एग्जांपल्स, बट यस, यू सडनली गॉट टू नो, ये वही सेम चीज है. अगर 3 तरीके से m into p m into n into p, राइट? सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग. ऑलराइट, ये क्वेश्चन भी हमने कल कर लिया था. आइए, लेट अस मूव अहेड. ठीक है, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स और उसके बाद मैं सडनली उस क्वेश्चन पे आना चाहूंगा, उस कॉन्सेप्ट पे आना चाहूंगा जो तुम्हारे हर एग्जाम में आएगा. बिलीव मी, व्हेन आई से हर एग्जाम, आई मीन हर एग्जाम, आई मीन एवरी सिंगल एग्जाम यू आर गोइंग टू फेस दैट कॉन्सेप्ट जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ. वंडरफुल एंड ग्रेट कॉन्सेप्ट, राइट? देखो, बट उससे पहले एक आध क्वेश्चन मैं यहाँ से भी करना चाहूंगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, आई वुड प्रेफर दैट. अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से है इस एक्सरसाइज से, यू कैन टेल मी. अदरवाइज मैं अपने एंड से कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन पिक कर सकता हूँ. ठीक है, लेट्स से आई टॉक अबाउट, थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं. स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जनरली थोड़े ठीक ठाक सी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 रिंग्स विथ डिफरेंट नंबर्स, 10 डिफरेंट नंबर्स, राइट? ये हमने कल कर ही लिया था नंबर्स वाला, तो मैं इसको कुछ डिफरेंट लेना चाहूंगा. ओके, चलो ये देखते हैं, राइट? लेट अस सी दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखना. ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करके आपके साथ डिस्कस करूंगा. A team consists of 6 boys and 4 girls. किसी एक टीम में 6 boys हैं and 4 girls हैं. And the other has, there is the, right, the 2 teams. Let's say this is team 1, right? This is team 1. And there is another team, team 2. Fine. Team 2 has what? Team 2 has 5 boys. 5 boys. And 3 girls. Okay, no issues. हालांकि number of candidates team 2 में कम है, but कोई बात नहीं. How many single matches can be arranged between the 2 teams when a boy plays against a boy and a girl plays against a girl? कितने single matches हो सकते हैं जब एक boy के against खेलेगा और एक girl के against खेलेगा? बहुत ही simple सा तरीका है बेटा. When it is a boy-boy match, ध्यान से सुनना, ठीक है? When I talk about a boy from team 1 and when I talk about a boy from team 2. So, boy from team 1 can come in how many ways? 6 ways. Any one of the boys would come. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Anyone can come. In how many ways can I select a boy from team 1? In 6 ways. Similarly, in how many ways can I select a boy from team 2? 5 ways. Match kab hoga? Jab main dono ko select karunga. I'll be selecting a boy from here. I'll be selecting a boy from here. So in how many ways there would be matches against the boys, right? Boys ke against kitne matches honge? There would be 30 matches. Okay? Wonderful, Priyanshu, Sakshi and Srishti. That's wonderful. Okay? So that is 30.
Similarly, if I talk about the girls, right? Girls team one and girls team two. Team one से कितनी girls, कितने तरीके से हम girls को select कर सकते हैं? 4 तरीके से. और team two से 3 तरीके से. Match तो तभी होगा ना बेटा, जब आपके पास एक girl यहाँ से होगी और एक girl यहाँ से होगी. मतलब दोनों task होने चाहिए. That means यहाँ पे कितना तरीका हो जाएगा? 12 ways. इन्होंने बोला आपसे कितने मैचेस होंगे. ठीक है, मैचेस या तो बॉयज के होंगे या फिर गर्ल्स के होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं? 30 plus 12. सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज व्हाट? 42. मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर करेक्टली. इति, प्रतीक, मनन, हितांश, प्रियांशु, दैट इज वंडरफुल. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था. आई होप आप इससे कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग को समझ पा रहे होंगे. ठीक है, और एक एग्जाम्पल और लेते हैं. हालांकि टाइम थोड़ा सा कम है, बट स्टिल एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूंगा. जैसे सपोज करो आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, राइट? 12 स्टूडेंट्स कॉम्पीट इन अ रेस, यानी किसी एक रेस में 12 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 प्राइजेस कैन बी गिवन? देयर आर 3 प्राइजेस, राइट? फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज. कितने तरीके से हम 3 प्राइजेस को दे सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आनी चाहिए बात यह है बेटा, अगर तुम्हारे पास 12 कैंडिडेट हैं तो फर्स्ट प्राइज को कितने तरीके से दे सकते हो? 12 तरीके से. ठीक है भाई, किसी एक को ही तो मिलेगा इन 12 में से. ठीक है, फर्स्ट प्लेस कैन बी गेन्ड और अटेन्ड बाय वन ऑफ देम अमंग द 12. सो दिस कैन बी अटेन्ड इन हाउ मेनी वेज? 12 वेज. सेकंड प्लेस कैन बी अटेन्ड इन हाउ मेनी वेज? 11 वेज. व्हाई? बिकॉज जो फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है अब वो सेकंड पे थोड़ी ना आएगा बेटा, जो 11 बच के वही तो आएंगे. ठीक है, सिमिलरली थर्ड प्लेस के लिए कितने लोग हैं हमारे पास? 10 लोग हैं. Now, in order to assign them first, second and third place, तीनों task होना चाहिए. कितना answer हो जाएगा? 12 into 11 into what? 10. 12 into 11, I think that is 132. साथ में 0, so 1320 should be the answer. Wonderful. So many of you have given the answer. Srishti, Priyanshu, Hitansh, Sakshi, that's wonderful. बिल्कुल सही है, 1320. ठीक है? तो I hope आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं. बहुत अच्छी बात है. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कम रह रहा है और उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए नाउ आई विल स्किप द क्वेश्चंस. नाउ आई लीव इट टू यू. मंडे वाली क्लास में जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं डिस्कस करूंगा, राइट? कल जो हमने किया था उसके क्वेश्चंस मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, वैसे ही आज जो हमने करा है इसके क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हमेशा मिक्स करके चलते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट करते रह गए, फॉर्मूला रटते रह गए और क्वेश्चंस नहीं करा, या सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करते रह गए सिलेबस आगे नहीं बढ़ाया. दोनों ही चीजों का एक बैलेंस स्ट्राइक करना है हमें. ठीक है, सो अब मैं यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लीव कर रहा हूं, राइट? आप जो भी सारे क्वेश्चंस, आई नो आप पता नहीं कितने कर पाएंगे बिकॉज बीच में संडे है, बट आप कोशिश कीजिएगा करने की. ठीक है, मंडे वाली क्लास भी सबके लिए ओपन है. सो अब मैं आगे एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सीखना. दिस इज सर्टेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेट मी स्टार्ट विथ व्हाट यू ऑलरेडी नो. तुम्हें क्या मालूम है? प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, राइट? सपोज करो मेरे पास ए बी सी 3 लोग हैं, इनको मैंने कल भी बिठाया था. कितने तरीके से बिठाया था? 6 तरीके से. आई होप यू रिमेम्बर दैट. लेट मी डू इट अगेन. ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए. हमने अदरवाइज भी एक बात सीखी थी कि अगर मेरे पास 3 लोग हैं और तीनों को बिठाना है, तो हमने देखा था कि ये जो 6 है ये अदरवाइज 3 फैक्टोरियल से भी आ जाता है. कैसे आता है? 3 फैक्टोरियल से भी आता है. क्यों आता है इस बात को थोड़ा डिटेल में समझना. ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी रटवाना नहीं चाहता, ना मैं कभी रटवाऊंगा. समझने की कोशिश करोगे तो हर चीज समझ में आएगी. ध्यान से देखो, तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, राइट? 3 प्लेसेस हैं, राइट? 3 चीजें हैं और 3 प्लेसेस हैं. फर्स्ट प्लेस को तुम कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 3 तरीके से, बिकॉज एनी वन ऑफ देम कैन कम हियर. Now, one of them has already come here. Doesn't know. We don't know who has come. But yes, one of them has come. Either A or B or C. Second place can be filled in how many ways? 2 ways. And the third place can be filled in how many ways? 1 way. So overall, आप इन 3 जगहों को कितने तरीके से fill करते हैं? 6 तरीके से. जिसको आप क्या बोल सकते हैं? 3 factorial. यहाँ पे एक बात आप generalize कर सकते हैं बच्चों. यहाँ पे एक बात आप generalize कर सकते हैं. That if you have n different things. And different things, right? अभी 3 चीजें थी तो ऐसा हुआ. 5 चीजें होती तो कितने तरीके से आप उसको अरेंज करते? Factorial 5. अगर n चीजें हैं तो first place can be filled in how many ways, बेटा? N ways. Second place, n minus 1 ways, right? One of them has already sat here.
Similarly, n minus 2, n minus 3, and so on. This will continue till 1. यानी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से लेकर के n तक, जब सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, तो क्या आता है n फैक्टोरियल. सो हियर यू लर्न अ वेरी वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इफ यू हैव n डिफरेंट थिंग्स विच n डिफरेंट थिंग्स है ना, ए बी सी सबके सब डिफरेंट है, कोई भी सिमिलर नहीं है. अभी सिमिलर वाली चीज भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है. इफ यू हैव n डिफरेंट थिंग्स, इसी तरीके से अपने नोट्स में लिखना, इफ यू हैव n डिफरेंट थिंग्स then in how many ways can you arrange them? You can arrange them in n factorial ways. पांच चीजें हैं, 5 factorial ways में arrange करूंगा. कितने हो जाएंगे? 120. चार चीजें हैं, कितने तरीके से arrange होंगी? चार different चीजें हैं, ठीक है? किस तरीके से arrange होंगी? 4 factorial. कितना होता है? 24. 1 into 2 into 3 into 4. छह चीजें होंगी, कितने तरीके से arrange करेंगे? 6 factorial. I believe that is 720. ठीक है? And so on. That can go on and on and on. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास n डिफरेंट चीजें हैं तो कितने तरीके से अरेंज होगी? n फैक्टोरियल से. ठीक है, n फैक्टोरियल से. आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर. इफ इट इज क्लियर, शो मी योर हैंड्स अप क्विकली, देन आई विल प्रोसीड. शो मी योर हैंड्स अप, बी फास्टर, बी क्विकर. वंडरफुल, शाबाश. देखो, कमिंग टू अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग, That was one thing जो आपने अपने नोट्स में लिख लिया होगा. Coming to a more important thing, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. अभी क्या था, तुम्हारे पास n different चीजें थी, तो तुम्हारा आंसर क्या था? n factorial. बट अब n different चीजें नहीं है, राइट. अब क्या हुआ, दो चीजें सिमिलर हो गई, दो चीजें सिमिलर हो गई. इसी एग्जाम्पल से ले लो, राइट. ऑलवेज वेन एवर यू लर्न नो, ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मोस्ट बेसिक थिंग एंड देन यू कैन जनरलाइज इट टू लार्जर थिंग्स. ठीक है, अब मैंने क्या कर रहा हूँ, ये जो b है ना, इन सबको मैं सिमिलर कर देता हूँ. जितने भी बी हैं, इन सबको मैं सिमिलर कर देता हूँ. किसके सिमिलर कर देता हूँ? लेट से ए के. मैं जितने भी बी थे, मैं सबको ए बना देता हूँ. ठीक है, आई विल रिप्लेस ऑल बी विद ए. आई हैव रिप्लेस्ड ऑल द बी विद ए. अब मेरे पास कितने यूनिक अरेंजमेंट्स हैं? अरेंजमेंट नंबर 1 एंड अरेंजमेंट नंबर 3, दे सीम सेम टू मी. I hope even it seems same to you. AAC and AEC ये दो अलग अलग अरेंजमेंट अब नहीं रहे, पहले थे, तब ये ABC था और ये BAC था, but अब ये AAC and AEC, it is one arrangement, right? This is one arrangement. Similarly, ACA and ACA, that is another arrangement. CAA and CAA, यानी जो मेरे पास पहले छह अरेंजमेंट थे, अब वो effectively कितने रह गए? सिर्फ तीन अरेंजमेंट्स रह गए. क्या ये वाली बात आपको डाइजेस्ट हो रही है? कैन यू शो मी योर हैंड्स अप? राइट, इफेक्टिवली जो मेरे पास पहले छह अरेंजमेंट्स थे, जब चीजें सिमिलर हुई तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कम हो गए. ठीक है, कितने हो गए? 6 डिवाइड बाय 2. अभी अभी तुमने एक चीज पढ़ी कि अगर तुम्हारे पास n डिफरेंट चीजें हैं तो कितने अरेंजमेंट्स होते हैं? n फैक्टोरियल. अगर इन n डिफरेंट चीजों में से आपके पास p चीजें एक जैसी हैं, q चीजें एक जैसी हैं और आर चीजें एक जैसी हैं, तो कितने तरीके से आप उनको अरेंज करेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल. इसका एग्जांपल देता हूं. सपोज करो तुम्हारे पास ना कुछ आइडेंटिकल बॉल्स हैं, राइट. यू हैव सम आइडेंटिकल बॉल्स, राइट. यू हैव सम आइडेंटिकल बॉल्स लाइक दिस. ये कुछ ब्लू बॉल्स हैं, कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ येलो बॉल्स हैं. कितने येलो बॉल हैं बेटा? 3. कितने ब्लू बॉल हैं आपके पास? 4. और कितने रेड बॉल हैं आपके पास? 3. इन ऑल हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव? 10. राइट, 3 + 4 + 3. अब आपसे अगर पूछा जाए कि आप इन 10 बॉल्स को एक लीनियर अरेंजमेंट में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, लेट्स नॉट फॉरगेट आपके पास कुछ चीजें सिमिलर हैं, राइट. तो टोटल कितनी चीजें हैं? 10. n इज 10 डिवाइडेड बाय जितने भी सिमिलर हैं, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 3 सिमिलर येलो वाला इनटू 4 सिमिलर ब्लू वाला एंड 3 सिमिलर रेड वाला. दिस वुड गिव अस द आंसर, दिस वुड गिव अस द आंसर. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि तुम फॉर्मूले के साथ साथ अपने नोट्स में एग्जाम्पल भी लिखोगे. ठीक है, तुम्हारे पास डिफरेंट कलर्स नहीं होंगे, तुम यहाँ पे बी लिख लेना, राइट.
तुम्हें ध्यान रहेगा, यहाँ पे R लिख लेना तुम्हें ध्यान रहेगा, यहाँ पे येलो Y लिख लेना तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपरली इन चीजों को अपने नोटबुक में मेंटेन रखो, ठीक है। ओके, आज की क्लास भी मुझे लग रहा है 9:05 तक चलेगी बच्चों, राइट। लुकिंग एट द पेस ऑफ द क्लास आई कैन सी कि आज भी हम लोग 5 मिनट एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, बट आई होप ऑल ऑफ यू वोंट माइंड दैट, ठीक है। सो आइए अब देखते हैं वो क्वेश्चंस जो हमारे कंपटीशन में भी हैं और हमारे स्कूल के बुक्स में भी हैं, राइट। स्कूल के बुक्स में भी हैं। एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं जो तुम्हें आरडी शर्मा बुक में मिलेगा, काफी फेमस सा वर्ड है, फनी भी है फेमस भी है, मिसिसिपी। जनरली ये वाला क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में टीचर दे ही देते हैं, राइट। जनरली ये वाला क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में टीचर दे ही देते हैं, मिसिसिपी। क्या पता है क्वेश्चन क्या देते हैं? क्वेश्चन देते हैं हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड व्हेन यू रीअरेंज ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी विद और विदाउट मीनिंग। कितने वर्ड्स बन सकते हैं अगर आप इनको अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे विद और विदाउट, मतलब मीनिंग से मतलब नहीं, तो आप क्या करोगे? एग्जैक्टली यही फॉर्मूला अप्लाई करो जो आपने अभी यहां सीखा है। कितने वर्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 n की वैल्यू कितनी है? 11 factorial डिवाइडेड बाय द रिपीटेशंस। i कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। यू कैन लीव द आंसर इन फैक्टोरियल्स। व्हेनेवर यू हैव सो ह्यूज कैलकुलेशन यू कैन लीव इट लाइक दैट। i तुमने काउंट किया, s कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4 अगेन 4 times। p कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 times। So that is your answer, right? That is your answer. Oh my God, Srishti, you have done the calculation. Did you do on your own or you have used the calculator? Your own. Wonderful. बड़ी अच्छी बात है बेटा. चलो, हेतांश ने और प्रियांशु ने भी answers दिए. अच्छी बात. That is wonderful. But you can leave the answer at this stage. ठीक है? I strongly suggest, right? कि मैं have been a CBSE examiner as well, right? तो मुझे CBSE के बारे में भी exactly पता है किस तरीके से checking होती है. तो इवन इफ यू नो कि तुमने अगर यहाँ पे आंसर छोड़ा है तो दैट इज ओके, यू विल गेट, यू गेट ऑल द मार्क्स। तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो एक क्वेश्चन अब जो बताने जा रहा हूँ, दिस इज वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे ऑफ योर टूडेज क्लास। ध्यान से देखना बच्चों, राइट। अब तुम चाहो तो नोट्स बनाओ, चाहो तो नोट्स ना बनाओ, मर्जी है तुम्हारी। ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए तुम्हारे पास अटेंशन चाहिए। मैं मतलब आई नीड योर अटेंशन नाउ। लेट्स से मैं एक छोटा सा वर्ड तुम्हें देता हूँ, कान, आई मीन ईयर, ओके। आप अगर ईयर से बनने वाले सारे वर्ड्स बनाते हो तो कौन कौन से बनते हैं और इसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं? सबसे पहले ए से बनने वाले बनेंगे, ए ई आर, ए आर ई, देन ई से बनने वाला आएगा ई ए आर, उसके बाद ई आर ई, देन यू हैव आर ए ई, एंड देन फाइनली यू हैव आर ई ए, राइट। अल्फाबेटिकली ऐसे लिखते हो ना। डिक्शनरी देखना तुम सबको आता होगा, डिक्शनरी देखना तुम सभी को आता होगा, राइट, ठीक है। तो ईयर से टोटल तुमने 3 factorial वर्ड्स बनाए, जिसका मतलब 6 वर्ड्स बनाए। बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन, this is not the question, my very dear Iti and Hitansh, that is not the question, right, that you have already done, theek hai। now the question is, aur word ye bhi nahi hoga, ye to maine tumhe sirf samjhane ke liye diya hai, theek hai। iit ke exam mein jo word aaya tha that was small, google pe dalna mil jayega, theek hai, small। question kya hai bata raha hu, dhyan se suno, bahut dhyan se suno। if you rearrange to make all the possible words with or without meaning from the letter of the word small, how many words would be there? Certainly you will understand, 1, 2, 3, 4, 5, the answer would be 5 factorial divided by 2, there would be 60 words jo isse banenge, hai na, simple, jo humne pad rakha hai, n factorial divided by the number of repetitions, 2 factorial hoga, 2 factorial is nothing but 2 only, theek hai। agar single l hota to 4 factorial hote, 24 words bante, 24 words bante, but that is not the question। The question is, if you rearrange all these words in dictionary order, जैसे ये dictionary order में है, right? अगर तुम dictionary में इसको arrange करोगे, तो alphabetically ही तो arrange करोगे। सबसे पहले A वाले सारे words बनेंगे, फिर E वाले, फिर R वाले, right?
So what is the rank of ear? Now that is very easy. The answer is 3. But the question is, what is the rank of small? That certainly is not that cakewalk. इतना आसान नहीं रहेगा 60 वर्ड्स को ऐसे लिखना और फिर आइडेंटिफाई करना कि भैया इसकी रैंक कितनी है. That is going to be very, very calculative and very time taking. So now that I come to this question, right? बहुत ध्यान से मैं आप सबका अटेंशन चाहूंगा. Did you understand कि मैं क्या बताने जा रहा हूं तुम्हें? The first thing is to understand कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं. आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी तक आपने क्या पढ़ा, कितने वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, वो तुम्हें आ चुका है. चाहे स्मॉल है, बिग है, लार्ज है, जो मर्जी है, तुम्हें सबसे नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने आते हैं. अगर मैं बोलूं भाई, अगर मैं लार्ज के सारे अल्फाबेट्स को रीअरेंज कर दूं तो कितने वर्ड्स बनेंगे? यू विल से सर 5 फैक्टोरियल, 120 वर्ड्स बनेंगे. बट अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो 120 वर्ड्स बने हैं, अगर मैं इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखूंगा तो लार्ज की रैंक कितनी आएगी? दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. ओके, सो नाउ पे अटेंशन. This is something really important from any point of view. ऐसे क्वेश्चन तुम्हें स्कूल एग्जाम में भी मिलेंगे और कॉम्पिटिशन में भी. मैंने तुम्हें बताया as it is same question आ रखा है एग्जाम में, ठीक है. तो मैं इसे तुम्हें दो तरीके से बताऊंगा, पहला स्कूल वाला मेथड, दूसरा कॉम्पिटिशन वाला मेथड. दोनों तरीके आने चाहिए बिकॉज कॉम्पिटिशन में टाइम इज क्रूशियल. तो अगर तुम कुछ ट्रिक्स टेक्निक सीख लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है. ध्यान से देखना, पहले स्कूल वाला मेथड से करके बता रहा हूँ. पे अटेंशन. लेट्स से आई टेक अप a very simple word, right? Let's take a positive word. Let's say you are a champ, right? आप एक champion हैं. मुझे champ की rank निकालनी है. Champ से कितने word बनेंगे? ये तो तुम लोग सीख चुके हो. 120 words बनेंगे. But इन जब 120 words को जब मैं dictionary order में लिखूंगा, और ये school exam में है, right? मैं तुम्हें दोनों तरीके बताना prefer करूंगा, क्योंकि स्कूल एग्जाम में अगर तुम कॉम्पिटिशन का तरीका यूज करोगे तो टीचर मार्क्स काट सकते हैं, आपके मार्क्स रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. और अगर आप स्कूल वाले मेथड से कॉम्पिटिशन में करोगे तो सारा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है. तो मैं यहाँ पे तुम्हें दोनों चीजें बताऊंगा. अगर आपके टीचर ने बेटर मेथड बता रखा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, राइट. बिकॉज 11th क्लास में तो इंटायरली इट इज डिपेंड ऑन द स्कूल टीचर, बट यस 12th में बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो स्टैंडर्ड चीजें वो हैं, ठीक है. तो ध्यान से सुनना, मैं पहले बेसिक मेथड बता रहा हूँ जो तुम्हारे स्कूल कॉम्पिटिशन हर जगह पे चलेगा, ठीक है. द बेसिक मेथड, What is that? जब तुम्हें रैंक निकालनी है तो तुम क्या करोगे? A से बनने वाले सारे वर्ड्स बना लो, बिकॉज अल्फाबेटिकली सबसे पहले इसमें क्या आएगा? A आएगा, फिर क्या आएगा? C, फिर H, फिर M, फिर P. आई होप आपको ABCD तो आती है. तो A से बनने वाले मैंने सारे वर्ड्स बना लिए, यानी मैंने A को फिक्स किया और बाकी चार वर्ड्स को परम्यूट किया. परम्यूट करने का मतलब क्या होता है? अरेंज करना. सो 4 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल, विच इज 24. ध्यान से देखना बच्चों, राइट. Priyanshu has given the correct answer. Shabash Priyanshu. I give you another question, Priyanshu. Do it for change. Do it for change, Priyanshu. And then do it for small. Okay? All right. देखो बच्चों, बाकी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है. A से बनने वाले आपने कितने वर्ड्स बनाए बेटा? 24. फिर किसकी बारी आई? C की. C से बनने वाला सबसे पहला वर्ड क्या होगा बेटा? CAHMP. ठीक है. अब देखो, अगर मैं सी को फिक्स करके और सारे वर्ड्स बना दूंगा तो बीच में चैंप भी निकल जाएगा ना, तो मैं सी को फिक्स नहीं करूंगा. जो भी मेरा टारगेट वर्ड है मैं उसे कभी फिक्स नहीं करूंगा. मैं क्या करूंगा? उससे एक अल्फाबेट आगे जाके फिक्स करूंगा. क्यों? क्योंकि सी ए से बनने वाले सारे वर्ड्स डिक्शनरी में बनेंगे, तभी तो सी एच की बारी आएगी. अल्फाबेटिकली आपको पता है. तो सी ए से बनने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल. जब मैंने सी ए को फिक्स कर दिया, तीन चीजें हैं, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वर्ड्स बनेंगे जो सी ए से शुरू होंगे. उसके बाद किसकी बारी है बेटा? सी एच की बारी है. सी एच की बारी है तो सी एच सबसे पहला वर्ड कौन सा बन रहा है अल्फाबेटिकली? सी एच ए एम पी. तो बड़ी अच्छी बात है यार. यानी कि टोटल 24 और 6, 30 वर्ड्स यहाँ बन गए और एक वर्ड ये रहा. तो व्हाट इज द रैंक ऑफ चैंप? इट इज 31. ठीक है. वन ऑफ यू हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर. दैट इज वंडरफुल, राइट. आई अप्रिशिएट दैट. ओके, देखिए, आई विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, चेंज, जो मैंने इनको दिया था. ध्यान से देखना, टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है. इट्स 9:03. हो सकता है मैंने 9:05 कहा था, 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए, कोई बात नहीं. बट ये कॉन्सेप्ट मैं आज खत्म करूंगा. दोज़ हू वांट टू लीव दे कैन लीव, राइट. नो कंपल्शन फ्रॉम माय साइड, बट सर्टेनली इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दैट इज योर चॉइस. लुक हियर, नाउ दैट यू हैव डन चैंप, लेट्स डू चेंज एज वेल. आइए चेंज के लिए भी करते हैं, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं. अगर ऐसी बेसिक तरीके स्कूल तरीके से करते हैं, क्या करते हैं? पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं. ए सी, then E, then G, then H, and then N. ठीक है, ऐसे ही होगा ना, राइट. G H N. ठीक है, मैंने अल्फाबेटिकली इसको अरेंज किया.
198. Wonderful, Priyanshu. Shabash. Do it for small now. Do it for small, Priyanshu. Okay. प्रियांशु का आंसर 198 है और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद ये सही आंसर है. देखिए आप लोग भी देखिए. श्योर, वेल डन, आई लाइक योर स्पिरिट. ओके, ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 5. ए को मैंने फिक्स किया, ए से बनने वाले सारे वर्ड्स बनेंगे तभी चेंज की बारी आएगी. तो ए से बनने वाले 5 फैक्टोरियल यानी कि कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 120. फिर सी की बारी आएगी. सी ए को मैंने फिक्स किया और बाकी मेरे पास 4 वर्ड्स आएंगे. बिकॉज देखो हमें कहाँ पहुंचना है, हमें सी एच पे जाना है. तो मैं सी को फिक्स करके सारे वर्ड्स नहीं बना सकता, राइट? आई विल मिस आउट विद दैट. ठीक है, हेतांश 198, शाबाश बेटा, राइट? यू कैन प्रोसीड विद स्मॉल. अगर आपको ये मेथड समझ में आ चुका है, ट्राई विद स्मॉल. वहां पे क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू क्वेश्चन इज, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है, बट यहाँ रिपीटेशन हो रही है. तो यू हैव टू बी केयरफुल देयर. ठीक है, ध्यान से देखो. तो अगर तुम्हारे पास ये सी ए तुमने फिक्स कर लिया, तो अब तुम्हारे पास इधर 4 डिफरेंट अल्फाबेट बचे हैं. 4 चीजों को कितने तरीके से अरेंज करोगे? 4 फैक्टोरियल विच इज 24. सी ए के बाद किसकी बारी आएगी बेटा? सी ई की बारी आएगी. सिमिलरली सी ई से भी तुम्हारे पास कितने वर्ड्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल यानी कि 24. सी ई के बाद किसकी बारी आएगी? सी जी की बारी आएगी. हमें कहाँ रुकना है? सी एच पे रुकना है. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. सी जी से कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 वर्ड्स यहाँ भी बन जाएंगे. सी जी के बाद अब किसकी बारी आएगी? सी एच की बारी आएगी. वंडरफुल. अब सी एच को फिक्स नहीं करेंगे ना, क्यों? क्योंकि जो भी टारगेट वर्ड में उसको फिक्स नहीं कर सकते. तो सी एच सबसे पहला वर्ड क्या बन रहा है? सी एच ए. ऑल राइट, उसके बाद क्या आएगा? जी. और उसके बाद क्या आएगा? एच एन. राइट, तो जो भी टारगेट वर्ड में है उसको फिक्स नहीं कर सकते. टारगेट वर्ड में मेरे पास सी एच ए है, इसको फिक्स नहीं कर सकते. उससे एक अल्फाबेट आगे जाके फिक्स करेंगे. क्या आएगा? सी एच ए जी को फिक्स करेंगे. दो चीजें बचती हैं. सी एच ए जी से बनने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? फैक्टोरियल 2 विच इज 2. अब किसकी बारी आ गई बेटा? सी एच ए. और उसके यहाँ मैंने एच एन नहीं कर दिया ना, यहाँ पे मेरे पास क्या लेना चाहिए था? सी एच ए और ई लेना चाहिए था ना, बिकॉज मेरे पास चेंज में, और यहाँ पे जी एन आएगा. ठीक है, तो सी एच ए से बनने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे बच्चों? मेरे पास 2 वर्ड्स बनेंगे. अब सी एच ए के बाद अब किसकी बारी आएगी? अब आएगी सी एच ए जी की बारी आएगी. ठीक है, बिकॉज आपको क्या चाहिए? सी एच एन जी चाहिए. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो यहाँ पे आपके पास ई और एन रह गया. ठीक है, ई और एन रह गया, और उसके बाद यहाँ भी तुम्हारे पास 2 वर्ड्स बने. अब मैं इधर लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ. सो सी एच ए जी भी जब हो गया, तो अब किसकी बारी आ गई? सी एच एन की बारी आ गई. और सी एच एन से बनने वाला सबसे पहला वर्ड क्या हो गया बेटा? इट इज ई जी अल्फाबेटिकली. एंड वेन यू लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज योर टारगेट आंसर अल्फाबेटिकली. कितने वर्ड्स बनाए तुमने? 120, 24, 24, 24, 24, 3 is 72, 72 plus 4, 76, 77, 78, 120 plus 78, 198 is absolutely correct. But yes, the method is very long. So look at the alternate method, which will be useful anywhere and everywhere, right? ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 58 है. अभी तक मेरे पास किसी का आंसर रिसीव नहीं हुआ, बट यस 58 इज व्हाट सृष्टि हैज गिवन मी. 57 बेटा थोड़ा सा कहीं पे मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करना, हो जाएगा. देखो, आई विल कम टू द मेथड दैट आई हैव बीन टॉकिंग ऑल अलोंग टुडेस क्लास. तो अब मैं उस मेथड की बात करता हूँ, कैसे तुम ये तीनों क्वेश्चन एक बार में बिना इतनी लंबी कैलकुलेशन के कॉम्पिटिशन्स में करोगे. ये मेथड तुम्हें आर डी शर्मा या किसी जनरल बुक में नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स के लिए है. ये वाला जो मेथड है ये कॉम्पिटिशन्स के लिए है. तो हो सकता है किसी आपको स्टडी मटेरियल में या कोई भी जो टीचर आईआईटी जे या एनडीए पढ़ाते हैं वो आपको ये बता सकते हैं. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सी एच ए एन जी. मैं तीनों क्वेश्चन एक बार में करके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? इट इज अ 3-स्टेप प्रोसेस. ठीक है, इट इज अ 3-स्टेप प्रोसेस टू गेट द आंसर, राइट? स्टेप 1, राइट द रैंक of the word in that word. For example, इसकी rank, rank 1 पे क्या है इस word में? A. यहाँ पे rank 2 पे क्या है? C. rank 3 पे क्या है? H. Alphabetically जो मैं होता है वो लिख रहा हूँ, ठीक है? Alphabetically सबसे पहले A आएगा इस word में, फिर C आएगा, फिर H आएगा, उसके बाद M N O P, तो ये फिर M आएगा, और उसके बाद फिर P आएगा. I hope you understand step number 1. I'll do it for all the 3 words, ठीक है? मैं इकट्ठे तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा. उसके बाद क्या आएगा बेटा? उसके बाद सी आएगा, सी एच ए. ओके, उसके बाद क्या आएगा भाई? ई आएगा. 3, राइट?
और उसके बाद क्या आएगा जी एच, यानी कि ये 4 आएगा, और उसके बाद मेरे पास ये 5 आएगा, और उसके बाद ये 6 आएगा. सिमिलरली आई विल डू इट फॉर दिस एज वेल. यहाँ पे रैंक 1 पे तो 1 आएगा, राइट. ए मेरा रैंक 1 पे आ जाएगा. एल एम एन ओ, अब देखो एल मेरे पास दो बार है तो दोनों की रैंक क्या मैं डिफरेंट रखूंगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं कर सकते. रैंक विल रिमेन सेम, ठीक है, रैंक विल रिमेन सेम. तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा. ओके, शॉर्टकट पे ध्यान दो बच्चों, राइट. आई एम स्टिल गेटिंग आंसर्स एंड इट इज गुड, राइट. सृष्टि प्रियांशु वंडरफुल बेटा, बट ये जो मेथड बता रहा हूँ इसको सीखो, ये बहुत यूजफुल है एंड यू वोंट गेट इट वेरी यूजुअली, ठीक है. तो यहाँ पे रिपीटिशन नॉन रिपीटिशन सारी चीजें एक बार में 3 स्टेप पे तुम आंसर निकाल लोगे विद इन 20-30 सेकंड्स. इस तरह के क्वेश्चन आप फट से आंसर निकाल के रख देंगे. डजंट मैटर वो जेई लेवल का है कि स्कूल लेवल का, सारे क्वेश्चन एकदम से हो जाएंगे. बस ध्यान से सीखो पहले मेथड क्या है. तो स्टेप 1 क्या है, रैंक असाइन कर रहे हैं उस पार्टिकुलर वर्ड्स में. अब इसमें मैं रैंक 3 किसको दूंगा, एम को दूंगा, और रैंक 4 किसको दूंगा, एस को दूंगा, ठीक है. आई होप द स्टेप 1 इज क्लियर. स्टेप 2 इज व्हाट, स्टेप 2 में जो आपने वर्ड्स लिखा है, जो आपने ये नंबर्स लिखे हैं, इसके राइट साइड पे इससे छोटे कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 से छोटा इसके राइट साइड पे कितना है, सिर्फ एक नंबर इससे छोटा है, व्हाट, 1. 3 से छोटे इसके राइट साइड पे कितना है, 1. 1 से छोटा, एक भी नहीं. 4 से छोटा इसके राइट पे, एक भी नहीं. और 5 से छोटा तो एक भी नहीं. मेरी बात को समझना सेकंड क्वेश्चन में भी, इसलिए मैं तीनों क्वेश्चन कर रहा हूँ बिकॉज मुझे मालूम है ये बात बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती. ध्यान से सुनो, मैंने बोला नंबर के राइट साइड पे कितने नंबर उससे छोटे हैं. 2 से छोटा इसके राइट पे, एक नंबर छोटा है. 5 छोटे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 3 नंबर छोटे हैं. 1 से छोटा, एक भी नहीं है राइट पे. 6 से छोटे कितने हैं, 2 नंबर छोटे हैं. और 4 से छोटा, एक है, और इसके राइट पे तो कुछ है ही नहीं, there's 0. I hope you understand the step number 2. Again, I'll do it for the last question as well. इसके इससे छोटे कितने हैं, इससे छोटे हमारे पास कितने हैं बेटा, इससे छोटे 1, 2, 3, 4. There are 4 numbers on its right which are smaller than 4. Similarly, 3 छोटे कितने हैं, 1, 2, 3. 1 से छोटा, एक भी नहीं. 2 से छोटा, एक भी नहीं. 2 से छोटा, एक भी नहीं. Step number 2. This is so clear, please raise your hand fast. Raise your hand fast if it is clear. Coming to the third and the final step. Third and the final step. कुछ नहीं करना, बस एक सीरीज लिखते जाओ इसके नीचे. Starting with 0 factorial. This is 0 factorial. This is 1 factorial. This is 2 factorial. बस एक सीरीज बना दो इसके नीचे. जहां तक नंबर जा रहा है वहां तक उसके नीचे सीरीज बना दो, ठीक है. 0, 1, 2, 3, 4, जहां तक भी जा रहा है. स्टार्टिंग विद 0 एंड आगे बढ़ते चले जाइए आप. 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है. सब आपने एक सीरीज बना ली. यहां भी बना लीजिए ऐसे ही. कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन. नेक्स्ट स्टेप यू हैव द आंसर. What is that? The answer is multiply these two things. Multiply these two things. ठीक है? Multiply, add it. और जो भी add करके आएगा उसमें last में plus one करना. देखो मैं करके बता रहा हूँ. 0 into 0 factorial is 0. 0 into 1 factorial is 0. 0 into 2 factorial is 0. 1 into 3 factorial is 3 factorial, which is 6. 1 into 4 factorial is 4 factorial, which is 24. Let's not forget this plus 1 at the end. Plus 1. What is the answer? 24 plus 6 plus 1. 31. Is that your answer? Certainly, yes. I'll do the second question as well. 0 into 0 factorial is 0. 1 into 1 factorial is 1. 2 into 2 factorial is 4. 0 into 3 factorial is 0. 3 into 4 factorial. 4 factorial is 24. 24 threes are is 72. 1 into 5 factorial, that is 120. Don't forget this plus 1 at the end. Don't forget this plus 1 at the end. 120 plus 72, 192. 192 plus 4, 196. 197, 198. Was that your answer? Certainly, yes. I hope you understand the importance of the method. How soon can you get the answer? And look at the calculation that you're doing. Right? Coming to this JE question. Right? Now, the only difference between the third question and the first two questions is you don't have any repetition in the first two questions, but here you have repetitions. So, certainly, jo basic tha, wo abhi bhi same hoga. Kya?
देखो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा एलोबरेट करके लिखूंगा ताकि अगर कभी भी रेपिटेशन होती है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सको, ठीक है? मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा सो दैट आई कैन गिव गुड नोट्स टू यू, राइट? सो दैट यू हैव गुड स्पेस, ठीक है? मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। वही काम कर रहे हैं क्या, जीरो इंटू जीरो फैक्टोरियल जो भी आएगा, ठीक है? इन जनरल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जीरो इंटू वन फैक्टोरियल, आपको पता है ये जीरो आना, बट फिर भी मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि अगर वर्ड चेंज भी हो जाए तो तुम्हें पता है कि हाँ रूल यही रहेगा। जीरो इंटू टू फैक्टोरियल, थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल, फोर इंटू फोर फैक्टोरियल। अब रेपिटेशन की बारी आती है, अगर यहाँ रेपिटेशन नहीं होता तो मैं यहाँ पे लास्ट में प्लस वन करता और बोलता ये आंसर है, बट अगर रेपिटेशन है तो मुझे ये देखना होता है कि किस अल्फाबेट से पहले रेपिटेशन है, एस के बाद, मतलब आई मीन किस अल्फाबेट के बाद रेपिटेशन है, एस के बाद क्या रेपिटेशन है, हाँ कितने रेपिटेशन हैं, दो, तो मैं इसको टू फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। एम के बाद क्या रेपिटेशन है, हाँ तो मैं इसको टू फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। ए के बाद क्या रेपिटेशन है, हाँ तो मैं इसको टू फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। एल के बाद क्या रेपिटेशन है, नहीं तो अब मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा। दैट इज ऑल, चेक करो कितना हुआ, 4 फैक्टोरियल इज 24 बच्चों, 20 इज 24, 24 4 ज़ा इज 96, 96 डिवाइड बाय 2 इज 48, राइट? दोज हु आर गुड विद कैलकुलेशन माइट हैव डन इट, ओके? दोज हु आर नॉट, इंप्रूव योर कैलकुलेशन, राइट? इट कैन बी इंप्रूव्ड बाय डूइंग सम मोर कैलकुलेशन, ओके? 3 into 3 factorial is how much? 6 3s are 18. 18 by 2 is how much? That is 9. That is 9. This is 0, this is 0, this is 0. Plus 1. What is the answer, beta? 58. So the only difference between repetition and without repetition is what? Ki agar tumhare paas repetition nahi hai, fir to as it is bas multiply kar do. Aur agar repetition hai, to jisse jis alphabet tak repetition hai, utni baar tumhe us factorial se divide karna padega. That is all. Is it fine, children?